आज हम बनाएंगे बी और गोश्त। उसके लिए पानी गरम किया, हाफ के जी मटन डालेंगे, हाफ के जी बी डालेंगे, वन टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, दो प्याज डालेंगे, वन टीस्पून साग डालेंगे, वन टीस्पून रेड चिल्ली डाली, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, क्वार्टर टी स्पून हल्दी, साबित मसाला डालेंगे, एक तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च। अब हम इसको मिक्स करेंगे, घुमाएंगे अच्छी तरह। हाफ कप ऑयल डालेंगे, अब घुमाएंगे ताकि सब मिक्स हो जाए। कवर करेंगे हाफ आवर के लिए। अब हाफ आवर हो गया, दो टमाटर डालेंगे, घुमाएंगे, गोश्त बी टमाटर सबको मिक्स करना है। दस मिनट के लिए कवर करेंगे। हाफ कप दही डालेंगे, अब घुमाएंगे, अच्छी तरह घुमाना है ताकि सब ये मिक्स हो जाए। पाँच मिनट के लिए कवर किया, देखें ये पानी ड्राई हो गया है। अब भूनेंगे, अच्छी तरह भूनना है।
हाफ कप पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। तीन ग्रीन चिली डाली, ऊपर से हरे धनिया डाले, अब इन सबको मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए कवर देंगे। क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला डाला, दो मिनट के लिए कवर करेंगे। देखिए ये सालन बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। देखिए सालन बहुत अच्छा बना है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।